राजस्थान में बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी पार्टियां अपनी सरकार बनाने के तमाम दावे कर रही हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच कई सर्वे भी सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को एक नया सर्वे सामने आया, इसमें पूछा गया कि अशोक गहलोत एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं या बीजेपी इस बार सत्ता हासिल करने में कामयाब रहेगी। एक और जहां सीएम अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि वो एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेंगे, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी राजस्थान में सत्ता पलट करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। इस सर्वे के मुताबिक 27% लोग एक बार फिर अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि वसुंधरा राजे को 14% लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वहीं प्रदेश में 15% लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के लिए किसी अन्य चेहरे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहते हैं, जबकि 9% लोगों ने सचिन पायलट सीएम के तौर पर देखने की बात कही। जब सर्वे में लोगों से पूछा गया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन है, इस पर वसुंधरा राजे को 27% लोग बीजेपी से मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं। इसके अलावा 13% लोग बाबा बालकनाथ को, तो 6% गजेंद्र सिंह शेखावत को और 3% लोग सीपी जोशी को बीजेपी के सीएम चेहरे के तौर पर देखते हैं। अगर साल 2018 के चुनाव पर नजर डालें तो कई विधानसभा सीट पर मतदाताओं ने प्रमुख पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को तीसरे और चौथे नंबर पर धकेल दिया था। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी को हराया था। 1 सीट पर बसपा और सपा में टक्कर थी। आपके अनुसार राजस्थान में किसे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।